हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो सॉलिड स्टेट चैप्टर का हम एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स देखने वाले हैं, जिसका नाम है द ब्रैग इक्वेशन। और ये जो इक्वेशन है, एग्जाम में आने के 90% चांस है। अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हो तो अब तक का ये सबसे इजी नोट्स होने वाला है। अगर आप लोगों ने अब तक इससे जो भी वीडियोस देखे होंगे, सबसे इजी नोट्स मैं आप लोगों को यहाँ पे देने वाली हूँ। आपको मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे इसे समझने में, और आप जो है वो इसे जो है वो अच्छे समझ जाओगे और एग्जाम में इसे बना भी पाओगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर का 6वें नंबर का नोट्स, और बाकी के नोट्स आप लोगों को सॉलिड स्टेट चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है गाइस, जहां पे आपको मिल जाएंगे। क्लियर हुआ? स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे आपको एक इमेज शो हो रहा है, ये जो है वो अभी इनकम है। जैसे जैसे मैं आप लोगों को समझाते जाऊंगी, वैसे वैसे ये आपका जो है वो कंप्लीट होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये आता है कि आखिर हम इसे ब्रैग इक्वेशन क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर ये है कि ब्रैग नाम के साइंटिस्ट ने इस समीकरण को दिया हुआ है, इसलिए हम इसे ब्रैग समीकरण कहते हैं। साइंटिस्ट का पूरा नाम आप लोगों को आगे जो मैं नोट्स दूंगी उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। अभी ये जानिए कि ब्रैग नाम के साइंटिस्ट ने उन्होंने इस समीकरण को दिया हुआ है, इसलिए हम इसे ब्रैग समीकरण कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि आखिर इस समीकरण का उपयोग हम क्यों करते हैं, क्या कारण है कि हमें ब्रैग समीकरण बनाने की जो है वो नीड हुई। तो इसका कारण है जो हमारे पास क्रिस्टल होते हैं, क्योंकि हम इसे सॉलिड स्टेट चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो जो हमारा सॉलिड है, जो हमारा क्रिस्टल है, उसके अंदर के भाग का, मतलब उसके आंतरिक भाग का, उनकी संरचना का अध्ययन करने के लिए हम जिस समीकरण का उपयोग करते हैं उसे हम ब्रैग समीकरण कहते हैं। समझ आया मैंने क्या कहा? जो आपके पास क्रिस्टल होंगे, उन क्रिस्टल के अंदर की संरचना का, मतलब आंतरिक संरचना का या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी करने के लिए हम जिस समीकरण का उपयोग करते हैं उसे ब्रैग इक्वेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारे पास क्रिस्टल होंगे उसके आंतरिक संरचना का हम जो है वो अध्ययन कैसे करेंगे, उसका जो अंदर का पार्ट है उसे जो है वो हम कैसे देखेंगे। तो इसके लिए हम जो है वो यहाँ पे एक्सरे का यूज करेंगे। एक्सरे क्या होता है? क्रिस्टल के अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर लेते हैं। देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रही हूँ। जैसे किसी पर्सन का, जैसे पैर का हड्डी या फिर किसी पार्ट का हड्डी जो है वो टूट जाता है, तो हम जो है वो हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर हमें कहते हैं कि आपके पैर की हड्डी ऐसा लगता है टूट चुका है, तो आपको जो है वो एक्सरे कराना पड़ेगा। तो आखिर वो हमें क्यों बोलते हैं कि हमें एक्सरे कराना है? ताकि वो हमारे पैर के अंदर की जो हड्डी टूटी है वो कितना टूटा है, कहाँ पे डिसलोकेट हुआ है, उसको जो है वो अच्छे से जान सके। तो आखिर एक्सरे क्या होता है? जो एक्सरे होते हैं, एक्स किरण होता है, वो हमारे जो पैर है उसके अंदर जा करके वहां का जो भी स्ट्रक्चर है वो, मतलब अंदर की जो भी फोटो है उसे खींच करके जो है वो हमें जो है वो देते हैं। मतलब यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हमारे पैर के अंदर की संरचना को हमें देखना होता है तो हम एक्सरे का यूज करते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हमें किसी क्रिस्टल के अंदर को देखना हो, उसके अगर हमें इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना हो, तो भी हम जो है वो एक्सरे का यूज करेंगे। समझ आया आप लोगों को? तो बहुत ही इजी है। ब्रैग इक्वेशन जो है वो इसलिए दिया गया है ताकि हम क्रिस्टल के अंदर के भागों को, अंदर के स्ट्रक्चर को जो है वो देख सके, और यहाँ पे हम एक्सरे का यूज करते हैं, क्योंकि जो एक्सरे होता है वो आसानी से जो है वो क्रिस्टल के अंदर घुस करके वहां का जो भी स्ट्रक्चर है वो हमें आसानी से बता देते हैं। और इसी के लिए एक समीकरण जो है वो ब्रैग नाम के साइंटिस्ट ने बनाया हुआ है, जिसे ब्रैग समीकरण कहते हैं। जो मैं बता रही हूँ उसे मैंने नोट्स में लिखा हुआ है। पहले आप जो है वो ये डायग्राम समझ लीजिए, देन नोट्स भी मैं आप लोगों को दे दूंगी। समझ आए आप लोगों को? अब देखिए कैसे होगा। मान लीजिए आपके पास कोई क्रिस्टल है, तो मैंने क्रिस्टल के जो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था कि क्रिस्टल में क्या होता है, काफी सारे छोटे 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 जो है वो मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब उसमें क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं। और वो पार्टिकल कैसे होते हैं? अरेंज होते हैं, मतलब वो जो है वो व्यवस्थित होते हैं, और जिसे हम जो है वो जालक तल कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो PQRS, तो ये मैंने जो है वो पार्टिकल बनाए हुए, ये समझिए क्रिस्टल है, उसके अंदर की संरचना को जो है वो हम देख रहे हैं। क्लियर हुआ? और क्रिस्टल के अंदर क्या होता है? बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। वो पार्टिकल कैसे अरेंज होते हैं? इस तरह से जो है वो अरेंज हो सकते हैं पार्टिकल, जैसे कि आप देख रहे हो पी, तो जैसे लाइन से जो है वो ये अरेंज हुए हैं, और जैसे कि इसे हम क्या कहते हैं, जालक तल कहते हैं। क्लियर हुआ? मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो इस तरीके से जो हमारे क्रिस्टल के पार्टिकल होते हैं वो इस तरीके से जो है वो अरेंज होते हैं, और इसे हम लोगों ने क्या नाम दिया हुआ है, PQRS। अब इन दोनों के बीच की, दो जालक तल के जो है वो, मान लीजिए PQ के बीच की दूरी, मतलब
दो यहाँ पे ये जो आपका पार्टिकल है जिसे हम मॉलिक्यूल भी कहते हैं या अणु भी कहते हैं, तो इन दो अणुओं की जो बीच की दूरी है उसे हम लोगों ने डी मान के रखा हुआ है। मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है अगर हमें पता करना हो तो हम जो है वो इसे मान लीजिए, माने यहाँ पे मैंने जो है वो इसे डी मान के रखा हुआ है। तो इस डिस्टेंस को पता करने के लिए हम जिस इक्वेशन का यूज करते हैं उसे ही हम ब्रैग इक्वेशन कहते हैं। समझ आया आप लोगों को? तो ब्रैग इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसमें हम मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस है, क्रिस्टल के अंदर जो जालक तल होते हैं उसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे जानने के लिए, उसे ज्ञात करने के लिए हम जिस इक्वेशन का यूज करते हैं उसे ब्रैग इक्वेशन कहा जाता है। आगे हम देखेंगे किस प्रकार से इक्वेशन जो है वो निकल करके आता है, ये तो आप समझ गए। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था हमें क्या करना है, क्रिस्टल के ऊपर जो है वो एक्सरे जो है वो डालना है। मतलब जो आपका क्रिस्टल होगा जिसके अंदर के जो जिसकी आंतरिक संरचना के बारे में आपको स्टडी करना होगा उसके ऊपर क्या डालोगे आप, एक्सरे डालोगे। तो देखिए चलिए हम डालते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सरेज जो कि क्या रेज है ना, किरण है, तो एक्सरेज को हम जो है वो यहाँ पे डालते हैं। तो जैसे हम एक्सरे को यहाँ पे डालेंगे, यहाँ से देखिए एक्सरे आ रहा है और कुछ देर बाद क्या होता है, ये जैसे यहाँ से आता है ये जो है वो फिर से ये जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाता है। मतलब कुछ एक्सरे ऐसे होंगे जो पहले तो यहाँ पे आएगा और आने के बाद जो है वो ये वापिस जो है वो उसी दिशा में, मतलब ये जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, मतलब इनका जो है वो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे टकराता है उसे हम लोगों ने मान लीजिए पॉइंट बी करके मैंने यहाँ पे माना हुआ है, और यहाँ पे जो आपका जालक तल है और ये जो एक्स रे है तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसे हम लोगों ने थीटा करके माना हुआ है। मान लीजिए इन दोनों के बीच का जो कोण बनता है उसे मान लीजिए हम लोगों ने थीटा माना हुआ है। तो सेम इस तरफ का जो एंगल होगा वो भी आपका जो है वो थीटा ही होगा। क्लियर हुआ? अब देखिए पहले वाले रे के बारे में तो मैंने आप लोगों को जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि जो फर्स्ट रे है वो पहले लेयर से ही जो है वो टकरा करके यहाँ से वापस चले जा रहे हैं। बट यहाँ पे हम जो है वो अब सेकंड रे की बात करेंगे, मतलब दूसरा वाला जो एक्सरे है उसकी हम बात करेंगे। तो जो हमारा यहाँ पे मैंने सेकंड रे जो है वो बनाया हुआ है वो क्या होगा, मतलब इनका जो पेनिट्रेशन पावर है वो अच्छा होगा तो ये क्रिस्टल के अंदर ही जो है वो घुस जाएंगे। मतलब एक्सरे जो है वो क्या करते हैं, वो किसी क्रिस्टल के अंदर जा करके जो है वो, मतलब उनके उनमें ये गुण पाया जाता है कि जो एक्सरे होते हैं वो क्रिस्टल के अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर सकते हैं, इसलिए तो हम जो है वो एक्सरे का यूज कर रहे हैं। तो जो हमारा सेकंड नंबर का एक्सरे होगा गाइस वो क्या होगा, इस क्रिस्टल के अंदर जो है वो पेनिट्रेट करेंगे और ये इस मॉलिक्यूल तक जो है वो आएंगे और ये एक्सरे जो है वो यहां से इस मॉलिक्यूल में से जो है वो टकरा करके फिर से जो है वो ये वापिस जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। मतलब दोनों में फर्क हमें क्या नजर आया कि ये जो आपका पहला वाला एक्सरे था वो पहले लेयर से ही टकरा करके जो है वो वापिस चला गया, जो हमारा दूसरा वाला एक्सरे है वो क्या हुआ, दूसरे लेयर के अंदर घुस करके मतलब दूसरे लेयर तक जो है वो गया, वहां से टकराया, उसके बाद जो है वो यहां से ये रिफ्लेक्ट हो गया। अब देखिये यहाँ पे हमें क्या क्या मिला, यहाँ पे हमें जो है वो पॉइंट डी मिला, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो एक्सरे आया है तो जिस पॉइंट पे टकरा रहा है उसे हम लोगों ने डी मान करके रखा हुआ है। क्लियर हुआ? अब एक चीज और आप देखिए, ये जो पहला वाला एक्सरे है जो इस तरफ जो है वो चला गया उसे अगर हम जो है वो पीछे एक लाइन ड्रॉ करें, बस ये एक इमेजिनरी लाइन है गाइस, ऐसा कोई लाइन नहीं होता है, इमेजिनरी लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ, अगर मैं इसे पीछे बढ़ाऊं तो ये जो आपका लाइन होगा इसे जो है वो पॉइंट ए पे जो है वो हमें मिलेगा। मतलब यहाँ पे एक पॉइंट आपको मिलेगा, उस पॉइंट को मैंने जो है वो ए नाम करके जो है वो दिया हुआ है। सेम इसे भी हम जो है वो करेंगे, ये जो मान लीजिए ये जो आपका पहला वाला रे आ रहा था उसे हम थोड़ा सा और आगे कर देते हैं, मतलब ये जस्ट इमेजिन किया हुआ है, तो यहाँ पे हमें जो है वो पॉइंट सी करके जो है वो मिलेगा। तो दोनों लाइन आप लोगों को समझ आया? अब देखिए यहाँ पे जो बी और डी के जो बीच का डिस्टेंस होगा, मतलब पॉइंट बी और पॉइंट डी के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम लोग डी करके लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है दो मॉलिक्यूल का जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना होता है, मान लीजिए डी करके माना हुआ है। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट बी और पॉइंट डी के जो बीच का डिस्टेंस है उसे मान लीजिए हम लोगों ने डी करके माना हुआ है।
यहाँ तक आपको समझ आया क्या क्या मैंने अभी तक बताया? हम लोग जो है वो दो एक्सरे के बारे में देखे। पहला एक्सरे क्या था, पहले लेयर से टकरा करके वो जो है वो वापस चला गया और रिफ्लेक्ट हो गया, और दूसरा इस एक्सरे जो है वो एटलीस्ट सेकेंड लेयर तक जो है वो पेनिट्रेट हुआ, सेकेंड लेयर को टच किया, उसके बाद जो है वो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गए। जिस पॉइंट पे टच हुआ, ये पहला पॉइंट आपका बी हुआ, सेकेंड पॉइंट आपका डी हुआ। हम लोगों ने इस लाइन को जो है वो पीछे एक इमेजिनरी लाइन बनाया, जिसे हम लोगों ने पॉइंट ए नाम दिया और इसे हम लोगों ने पॉइंट सी नाम दिया। यहां तक आपको समझ आया? अब देखिए हम एक चीज और जानेंगे, दोनों रेज में आपको क्या डिफरेंस पता चलेगा। दोनों रेज में आपको सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो पहले वाला रेज होगा ना, उसे जो है वो ये सब चीज को ट्रेवलिंग करने में थोड़ा सा कम डिस्टेंस जो है वो लगेगा। मतलब जो इनका पाथ होगा, मतलब जो इनका रास्ता होगा, वो कम डिस्टेंस को जो है वो तय करेगा इसकी अपेक्षा। क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये जो है वो सेकंड लेयर तक जो है वो पेनिट्रेट कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है इनका जो डिस्टेंस होगा, इनका जो पाथ होगा, वो पहले एक्सरे की अपेक्षा जो है वो ज्यादा होगा। मतलब अगर हम जो है वो इस एडी को और इस डीसी को अगर हम जो है वो इनकी जो लेंथ है उसे अगर हम कैलकुलेट कर दें, तो हम ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि इन दोनों के पाथ में जो है वो कितना डिफरेंस आया है। तो ये सब चीज तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ। अब देखिए आगे क्या होगा, एंगल के बारे में देखेंगे। ये आपको पता है कि यहाँ पे जो हमारा एंगल बना है वो जो है वो थीटा बना हुआ है। अब यहाँ पे आप ध्यान देना, ये वाला जो मैं आपको एंगल बता रही हूँ, वो आपको पता है ये जो एंगल है वो 90 एंगल है, मतलब 90 अंश का कोण यहाँ पे बना हुआ है। कौन कौन सा मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहां से जो आ रहा है, क्लियर हुआ, यहां से लेकर के ये जो ये वाला लाइन है, तो यहाँ पे मैंने देखिए इस तरीके से बनाया हुआ है। ये आपको पता है कि ये कितना है, 90 अंश का कोण है, वो दिख ही रहा है कि ये जो है वो 90 अंश का कोण है। यहां तक पता चला आपको, ये जो है वो थीटा है और ये जो है वो 90 अंश का कोण है। तो अगर आपको इतने का अगर आपको एंगल बताना हो तो आप क्या बताओगे, 90 माइनस थीटा। समझ आया मैंने क्या कहा, ये कितना है आपका, ये वाला एंगल आप लोगों ने कितना माना हुआ है, थीटा माना हुआ है। और आपको पता है कि ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 90 है, वो दिख ही रहा है कि वो 90 अंश का कोण बना रहा है। तो अगर आपको ये पता है कि ये थीटा है और ये आपको पता है कि 90 अंश का है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। समझ आए आप लोगों को, तो इस यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसका आपको वैल्यू है 90 माइनस थीटा। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखिए सेकंड चीज देखना आप लोग, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे ये। यहां तक तो आपको पता चल गया कि ये जो है इसका वैल्यू जो है वो 90 माइनस थीटा है। अब देखिए आगे आप क्या देखोगे, यहाँ पे जो मैं जो लाइन ड्रॉ करी उसी को देखना। ये वाला जो आपका एंगल है वो आपको पता है कि ये जो है क्या है, 90 अंश का है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो है वो 90 अंश का कोण बना हुआ है। और आपको ये भी पता है कि ये क्या है, 90 माइनस थीटा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, थीटा होगा। मतलब अगर हम इतने का देखे तो इसका वैल्यू क्या होगा, थीटा होगा। तो आप लोग यहाँ पे ए बी डी पे जो है वो कॉन्सेंट्रेट करना। मैं यहाँ पे ए बी डी का जो है वो अलग से जो है वो बना रही हूँ। यहाँ पे आप देखो ए बी डी करके मैंने अलग से बनाया हुआ है, सेम यही चीज है ए बी और डी, तो इसे मैंने अलग से बनाया हुआ है क्योंकि इसी के बारे में जो है वो हमें पूरा पढ़ना है, तो इसको मैंने थोड़ा सा अलग से बनाया हुआ है। ये आपको पता चला कि इसका वैल्यू जो है वो थीटा आएगा। तो यहाँ पे जो ए बी डी है, जो ए बी डी एंगल है, उसका वैल्यू हमें पता चल गया कि इसका वैल्यू जो है वो थीटा है। और आपको पता है कि बी और डी का जो बीच का जो दूरी है वो कितना है, डी है, तो हम लोगों ने इसे क्या माना हुआ है, डी करके माना हुआ है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद जो भी इक्वेशन होगा वो तो मैं आप लोगों को बताऊंगी ही, बट चलिए इससे पहले अभी तक मैंने जो बताया मैं नहीं चाहती कि आप जो है वो उसे भूल जाओ, तो अभी तक का नोट्स जो है वो मैं आप लोगों को दे देती हूँ। देन इसके बाद जो भी हमारा इक्वेशन होगा, बहुत ही कम अब जो है वो बचा हुआ है, तो इक्वेशन जो है वो बस 4 से 5 लाइन का बचा हुआ है गाइस, उससे मैं जो है वो कंटिन्यू करूंगी। तो चलिए अब जो मैंने यहां तक बताया हुआ है उसका एटलीस्ट आप जो है वो नोट्स इसका लिख लीजिए। तो चलिए गाइस आप जो है वो नोट्स लिखने स्टार्ट कीजिए। डब्ल्यू एच ब्रैग एंड डब्ल्यू एल ब्रैग ने एक्स रे का उपयोग क्रिस्टलों की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए किया हुआ है। मतलब यहाँ पे जो डब्ल्यू एच ब्रैग और डब्ल्यू एल ब्रैग है वो जो है वो फादर एंड सन है, मतलब पिता और पुत्र है, और दोनों जो है वो साइंटिस्ट थे और दोनों ने मिल करके ही ये ब्रैग समीकरण की जो है वो उत्पत्ति किया हुआ है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि डब्ल्यू एच ब्रैग एंड डब्ल्यू एल ब्रैग ने एक्सरे का उपयोग क्रिस्टलों की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए जो है वो किया है।
तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को ब्रैग समीकरण का जो है वो डेफिनेशन बताती हूँ। तो डेफिनेशन को जो है वो आप एज इट इज लिखना, क्योंकि हम जो डेफिनेशन होते हैं उसमें अपने अकॉर्डिंग जो है वो चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन है, एक्सरे की वेवलेंथ जिसे हम लैम्डा करके मानते हैं, वेवलेंथ मतलब जो है वो आप तरंग लंबाई भी कह सकते हो। तो किसी एक्सरे का जो वेवलेंथ है, क्रिस्टलों की अंतरतलीय दूरी जिसे हम जो है वो डिस्टेंस डी मान करके रखे हुए हैं, मतलब यहाँ पे जो आपका एक्सरे आ रहा है उसका जो भी तरंग दैर्ध्य होगा, तरंग दैर्ध्य आप समझ रहे हो ना, जो भी इसका तरंग दैर्ध्य का मतलब वेव का जो भी जो है वो इसका लंबाई होगा उसे हम लोगों ने जो है वो लैम्डा करके माना हुआ है। इन दोनों के बीच की दूरी को जो है वो हम लोगों ने डी करके माना हुआ है, क्योंकि डिस्टेंस। तथा परावर्तन के कोण थीटा, मतलब यहाँ पे जो भी परावर्तन का जो भी आप लोगों को कोण दिखाई दे रहा है थीटा, उनके मध्य में एक जो है वो उन्होंने एक समीकरण की जो है वो उत्पत्ति की, मतलब पारस्परिक संबंध को व्यक्त करने वाली समीकरण की उत्पत्ति की, जिसे ब्रैग समीकरण कहा जाता है। किसके किसके बीच मैंने बताया, एक्सरे का वेवलेंथ जिसे हम लैम्डा करके कहते हैं, और इनकी अंतरातलीय दूरी जिसे हम जो है वो डी करके जो है वो मानते हैं, और इनमें इनका जो थीटा कोण है मतलब जो इनका एंगल थीटा है, इन तीनों के मध्य, इन तीनों के बीच जो है वो संबंध बताने के लिए, रिलेशन बताने के लिए एक समीकरण की जो है वो उत्पत्ति की गई, जिसे ब्रैग समीकरण जो है वो कहा जाता है। क्लियर हुआ? चलो गाइस, अगर आप लोगों को बैकग्राउंड में थोड़ा सा हल्ला वगैरह हो रहा होगा उसे जो है वो आप जस्ट इग्नोर कीजिएगा। अब देखिए आगे हम देखते हैं, जो जो चीज मैंने बताया हुआ है ना, कुछ नहीं करना है आपको, वही चीज को लिखना है। जैसे कि माना PQRS, ये क्या था PQRS, जो है वो क्रिस्टल के जो है वो समानांतर जालक तल है जिसमें पार्टिकल्स जो है वो मौजूद है, इन तलों की जो है वो दूरी जो है वो डी है। अब कुछ नहीं करना है आप लोगों को, नोट्स में जो जो मैंने बताया हुआ है उसी को आपको जो है वो लिखना है। PQRS क्या है? जालक तल है जिसमें जो है वो मॉलिक्यूल या पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट है, और इन पार्टिकल के बीच की दूरी क्या है? डी है, उसे हम लोगों ने डी मान के रखा हुआ है। माना कि एक्सरे का समांतर किरण पुंज किसी तरंग लंबाई लैम्डा है, क्रिस्टल के तल पर थीटा अंश का कोण बनाते हुए जो है वो गिराया जाता है। मतलब कुछ नहीं करना है, जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ना कि पहला जो हमारा एक्सरे है पहले लेयर से ही जो है वो टकराएगा, और टकरा करके यहाँ से जो है वो वापस चला जाएगा, और यहाँ पे जो है वो थीटा जो है वो कोण बनाएगा। दूसरा वाला जो एक्सरे आएगा वो यहाँ से टकराएगा, और यहाँ पे जो है वो पॉइंट डी पर पे पॉइंट डी में जो है वो टकरा करके, सेकंड लेयर में टकरा करके जो है वो फिर से ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो आप लोगों को नोट्स में केवल यही सब चीजों को लिखना है। अगर आप जो है वो नोट्स को थोड़ा और बड़ा करके लिखना चाहते हो तो आप जो है वो कंटिन्यू जो जो मैंने बताया हुआ है उसे अपने अकॉर्डिंग जो है वो लिख सकते हो। उन लोग ये नहीं देखेंगे कि आपने अंदर में ये क्या क्या लिखा हुआ है, उन लोग ये नहीं देखेंगे। मेन उन लोग ये देखेंगे कि आपका डायग्राम सही है कि नहीं है। तो यहां तक आप लोग लिख लिए, अब मेन हम आते हैं। हम लोगों ने यहां तक पहुंचा हुआ था कोण, मतलब यहां पे ABD में, तो यहां से हम जो है वो अब स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें ABD में, तो यहां पे केवल आपको इतने पे ही कॉन्सेंट्रेट जो है वो करना है। किस पे करना है? ABD, मतलब यहाँ पे भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, यहाँ भी बता रही हूँ, ABD पे जो है वो आप लोगों को मेन फोकस करना है। तो AD बराबर क्या होगा? D sin थीटा। D sin थीटा क्यों होगा? देखिए B और D के बीच का डिस्टेंस जो है वो D है, और इनके बीच का जो इसके मतलब यहाँ पे जो एंगल आपका बन रहा है वो जो है वो थीटा है। तो AD इक्वल क्या होगा आपके? AD इक्वल होगा D sin थीटा। यहां तक क्लियर हुआ? अब हमें पता है कि AD इक्वल क्या है? DC है, मतलब मैंने आपको बताया ही था यहाँ पे जो आपका पाथ डिफरेंस है जिसे हम पथांतर भी कहते हैं, मतलब पथों में जो अंतर है, यहाँ पे आपको पता है कि ये जो आपका AD है वो किसके इक्वल है? DC के इक्वल है, मतलब AD इक्वल DC आप जो है वो लिख सकते हो। तो AD इक्वल जो है वो DC जो है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। टोटल पाथ डिफरेंस कितना है? AD प्लस DC, मतलब यहाँ पे टोटल पाथ डिफरेंस का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था ना कि दोनों एक्सरे में जो है वो क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या पाथ डिफरेंस है, कि ये जो है वो AD और DC जो है वो ज्यादा डिस्टेंस जो है वो तय कर रहे हैं। तो AD प्लस DC करके जो है वो हम इसमें पाथ डिफरेंस करके जो है वो लिखेंगे, AD प्लस DC। तो यहाँ पे हमें पता है कि AD का मतलब क्या होता है? DC होता है, और AD का मतलब क्या होता है? D sin थीटा। तो AD प्लस DC है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? D sin थीटा प्लस D sin थीटा, और D sin थीटा और D sin थीटा को मिलाकर के क्या बना आपका? 2D sin थीटा। तो 2D sin थीटा इक्वल क्या होगा? N लैम्डा। लैम्डा क्या है? तरंग की जो है वो तरंग मतलब तरंग लंबाई है इसकी, जो भी आपका यहाँ पे वेव है एक्सरे का जो वेव है उसको हम लोगों ने लैम्डा करके माना हुआ है। एन करके हम लोगों ने क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे हमें एक से ज्यादा एक्सरे जो है वो आपको देखने को मिल रहा है,
तो 2D साइन थीटा इक्वल एन लैम्डा होगा। और ये जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे डेफिनेशन बताया था कि ब्रैग इक्वेशन क्या होता है, यही तो आपका ब्रैग इक्वेशन है, जिसमें हम लैम्डा डी और थीटा के बीच जो है वो एक रिलेशन बताते हैं, एक संबंध बताते हैं, और यही आपका संबंध जो है वो 2D साइन थीटा इक्वल एन लैम्डा जो है वो ब्रैग इक्वेशन कहलाता है। यही ब्रैग समीकरण है। यदि लैम्डा एन और थीटा का मान ज्ञात हो, अगर आपको थीटा एन लैम्डा का मान ज्ञात हो, तो आप इस समीकरण से डी की गणना जो है वो आसानी से कर सकते हो। क्लियर हुआ गाइस आज का टॉपिक? तो इतना ही आपको लिखना है, मेन आपको ये जो मैंने बताया हुआ है उस पे उसको आपको अच्छे से लिखना है, और दूसरा चीज आपको जो है वो डायग्राम अच्छे से बनाना है। बाकी इसके बीच में जो भी थ्योरी वाला पार्ट है वो आप लोग अगर इसे समझ गए हो तो अपने ओन वर्ड में जो है वो नोट्स को लंबा चौड़ा जो भी आपको बनाने का मन हो तो आप बना करके लिख सकते हो। तो आई होप यू गाइस आज का जो ब्रैग इक्वेशन है वो आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो आप नीचे मुझे जो है वो कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।